नहीं, एक पत्र और है। नीता ठाकुर, पत्नी श्री प्रेम सिंह ठाकुर, पठानकोट पंजाब से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं आप ही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना। प्रमोद सिंह जी भी आए हैं क्या साथ में? आए हैं, हाथ उठाओ। आइए, आप भी पधारो। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे पास कोई शब्द नहीं है शिव महापुराण के लिए। मेरा तो जीवन ही पूरा मेरे बाबा ने बदल दिया। गुरुजी, मेरे पति बहुत शराब का नशा करते थे, उनकी शराब सारा परिवार को दुख देती थी। इतने तकलीफ में जिंदगी चल रही थी कि हम लोग बहुत दुखी हो गए थे। तब आपकी कथा पंजाब में हुई, और पंजाब में जब आपकी कथा हुई तब हमने उस कथा में बाबा से विनती करी और वहीं से पशुपतिनाथ का व्रत उठा लिया। गुरुदेव, आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो तो बाबा कुछ ना कुछ जरूर देता है। हमने पंडाल में, पंजाब के पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा से विनती करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि भटिंडा में जब आपने कथा कही थी उस कथा में मैंने बाबा से मांगा था और मेरे पति के लिए कि बस इनकी शराब छूट जाए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि भटिंडा पंजाब में कथा सुन के चौथा दिन ही हुआ और मेरे पति ने शराब छोड़ दी और आज तक उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आई पधार साधुता में। गुरुजी गला पकड़ रहा है बेटा, खींच कर बोलना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा खींच खींच के बोलना पड़ रहा है कथा। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं और प्रणाम करती हूं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें बसा।